बदला बदला नजर आएगा आज से एक दो दिन के बाद। जो भी करवा रहा बहुत अच्छा करवा रहा है, तो सही हो रहा है मेरे हिसाब से, आसानी से रास्ता तय होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज जहमा और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कराची की पहचान एम्प्रेस मार्केट का नक्शा ही बदल गया, सड़कें कुशादा, ठेलों का सफाया हो गया, हजार से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गई। केएमसी के ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान मलबे में आग भी भड़क उठी जिसे बुझा दिया गया। मिशन क्लीनिंग एम्प्रेस मार्केट, मोहलत तमाम हुई। 7 बजे सुबह कार्रवाई का घंटा बजा, हजार से जायद दुकानें गिराने का टारगेट। केएमसी की एंटी इंक्रोचमेंट टीम आगे बढ़ी, साथ में रेंजर्स, पुलिस और पीछे पीछे हैवी मशीनरी। केएमसी ने हल्ला बोल दिया, बुलडोजर चला और देखते ही देखते सालों पुरानी दुकानें मिसमार कर दी गईं। दुकानों में आग भी लगी जिसे बुझा दिया गया। एम्प्रेस मार्केट को अब संवारा जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, इसको हमने मेंटेन रखना है और इंशाल्लाह कराची के लोगों को सदर बदला बदला नजर आएगा आज से एक दो दिन के बाद, बहुत बदला नजर आएगा। परिंदा, कपड़ा, बर्तन, ड्राई फ्रूट और चाय, अब यहाँ कोई और मार्केट नहीं, सिर्फ एम्प्रेस मार्केट है। कराची के इलाके सदर में सुबह 7 बजे शुरू होने वाला ऑपरेशन ताहाल जारी है। ऑपरेशन में केएमसी, डीएमसी और कंट्रोलमेंट बोर्ड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, सऊद बिन मुर्तजा और शफकत अजीज, सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। सऊद, सबसे पहले आप बताइएगा, सुबह से ये ऑपरेशन जारी है, कितना मुकम्मल हो चुका है, किस मरहले में है? तीन बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये ऑपरेशन इस वक्त 80% बताया जा रहा है कि मुकम्मल कर लिया गया। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि ये दुकानें मसमार कर दी गई और उसके पीछे परिंदा मार्केट की दुकानें थी उनको मसमार किया जा रहा है और उसके बाद ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। केएमसी हुकाम का ये कहना है कि जो परिंदा मार्केट की दुकानें हैं काफ़ी मजबूत बनी हुई हैं, सारी मशीनरी वहाँ लगा दी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि उनको एक एक करके मसमार किया जाए, जो डबल स्टोरी बनी है उनको भी जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। 80% बताया जा रहा है इस ऑपरेशन को एम्प्रेस मार्केट के अतराफ मुकम्मल कर लिया गया है और इन दुकानों के मुकम्मल मसमार होने के बाद ये मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर जो आहिस्ता आहिस्ता मलबा उठाने का जो मरहला है वो भी चल रहा है, लेकिन जिस मलबे में सरिया या दीगर चीज़ें हैं उनको जो है अभी नहीं उठाया जा रहा। जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो उसको तेज़ी से जो है तमाम मलबे को उठा के यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। केएमसी हुकाम के साथ कंट्रोलमेंट और डीएमसी हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर्स और पुलिस की भी भारी नफरी है। यहाँ पर जो सामान है दुकानदार जो बचा कुचा सामान है वो भी अपना उठा, उसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं वो भी उनकी भी चांदी हुई हुई है, वो भी सामान यहाँ पर जमा करने में मसरूफ़ हैं। लेकिन अब परिंदा मार्केट की चंद मजबूत दुकानें रह गई हैं, चुका है ये बताया जा रहा है। दूसरी जानिब सदर में तजावुजात के खिलाफ इस ऑपरेशन के बाइस ट्रैफिक पुलिस ने एम्प्रेस मार्केट जाने वाले रास्तों को बंद कर रखा है, ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मोड़ा जा रहा है। इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं सभा के नुमाइंदे शफकत अजीज से। इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर में मौजूद हूं और यहां पर जो है बड़े पैमाने पर तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी था, आज का छठा रोज है और एम्प्रेस मार्केट की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो लोग रीगल से जो है वो एम्प्रेस मार्केट आना चाहते हैं तो वो ट्रैफिक जो है एमजीआर रोड की तरफ मोड़ा जा रहा है या फिर शाहरा राह की तरफ मोड़ा जा रहा है, और जो लोग कॉरिडोर 3 का इस्तेमाल करते हुए सदर आना चाहते हैं वो ट्रैफिक जो है उसे लकी सड़क की तरफ मोड़ा जा रहा है, और जो एमजीआर रोड से ट्रैफिक जो आ रहा है सदर की तरफ या एम्प्रेस मार्केट की तरफ उसे लकी सड़क जाना मोड़ा जा रहा है। ये ट्रैफिक, ये जो इलाका है, ये जो रोड है, ये मेन सदर की शरा है और इसे भी जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जो कॉरिडोर 3 की तरफ जो है वो पार्किंग प्लाजा की तरफ जो है वो जा रही है, और जो गाड़ियां पार्किंग प्लाजा की तरफ से कॉरिडोर 3 इस्तेमाल करते हुए सदर आना चाहती हैं उन्हें उस ट्रैफिक को भी जो है वो लकी सड़क की तरफ मोड़ा जा रहा है। जी, तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं शफकत अजीज, सऊद बिन मुर्तजा इस ऑपरेशन के हवाले से हमें सुबह से ही आगाह कर रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन आज वसीम अख्तर साहब ने आज खुद भी दौरा किया एम्प्रेस मार्केट का, वहां पर जाकर इन्होंने जायजा भी लिया ऑपरेशन का और इसके साथ साथ मीडिया से गुफ्तगू भी की। मसरूफियत क्या रही वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, सबने कोऑपरेट किया। दुकान के ऊपर सिर्फ दुकान का बोर्ड होना चाहिए जो कि 12 इंच बाहर हो सकता है, उसके बाद जो छपड़े डलते हैं वो अलाउड नहीं है, हमने वो तोड़े हैं। अगर किसी का बोर्ड भी टूटा है वो गलती से टूटा है, उसके लिए माजरत। जो छज्जे बने हुए थे वो खत्म किए हैं। एम्प्रेस मार्केट जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था, 4 ब्लॉक थे इसके, वो लैंड पार्क की लैंड है वो। अब हम इंशाल्लाह इनको पार्क्स बनाएंगे। केएमसी ने इनको रेंट आउट की थी जगह कोई 20 साल पहले, वो हमने माहिदे खत्म कर दिए। जो गलतियां की हैं माजी में, इनको डीजल दी हैं, वो गलत काम था। इसी तरह इंशाल्लाह पूरी कराची में अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे, चाहे वो लियाकताबाद हो, औरंगी हो, करंगी हो, अजीजाबाद हो, नाजमाबाद हो, कोई भी इलाका हो। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की गुफ्तगू आपने मुलायजा की, इसी पर मजीद भी उनसे बात कर लेते हैं। मेयर साहब, सदर का इलाका तो आपने साफ कर दिया, सवाल कराची वाले ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले भी ऑपरेशंस हुए, इस मर्तबा क्या डिफरेंट होगा कि कराची वालों को एम्प्रेस मार्केट और जो दीगर इलाके हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे नज़र आए? देखिए, बिल्कुल सही बात है, पहले भी इस किस्म के एक्शंस हो चुके हैं, मगर वो थोड़े दिन ही चलते थे और वापस फिर इंक्रोचमेंट हो जाती थी। इस बार एक तो मैं समझता हूँ इस इंक्रोचमेंट को कोई 50 साल से ऊपर हो गए हैं। इस बार हमने वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज किस्म का ऑपरेशन किया है और हर एक को ऑन बोर्ड लिया है, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो कंटोनमेंट के लोग हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, के इलेक्ट्रिक, सुई सदन, सबको ले के बैठे हैं और प्लान किया है। लीडिंग रोल इसमें केएमसी का है और ज़ाहिर है ये केएमसी का इलाका है और केएमसी का एम्प्रेस मार्केट है। दुकानें जो दी गई थी ये भी कोई 40-50 साल पहले रेंट आउट की गई थी। रेंटल एग्रीमेंट में ये होता है कि विद इन अ मंथ, एक महीने का नोटिस देके आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, वही हमने किया है। और ये जब दी गई थी तो ये 4 फिट बाय 4 फिट के खोके दिए गए थे, एक इस साइज का एरिया दिया था, मगर इन द पीरियड ऑफ लाइक अबाउट 50 ईयर्स यहाँ इतनी इंक्रोचमेंट हुई है कि 400-500 गज़ पे फैल गए हैं सब, और फिर ऊपर अपार्टमेंट्स बन गए, उसमें लोग रहने लग गए हैं, अंदर रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं, लोग दूसरे सूबों से आते हैं यहाँ रहते हैं आके, इस किस्म के होटल्स हो गए और अजीब किस्म की एक्टिविटीज़ थी। मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि इन्होंने कोऑपरेट किया। बिल्कुल वसीम साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तजावुजात का महकमा इतने अरसे से कर क्या रहा था, इतनी सारी तजावुजात इतने सारे इलाके में बंद कैसे गई, इतने साल तक ये महकमा आखिर क्या करता रहा फिर? देखिए, अकेला महकमा कुछ भी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस साहब के सामने जब मैं खड़ा हुआ था तो मैंने एक प्रैक्टिस की थी, एक काम किया था कि 2 महीने पहले इधर से तजावुजात हटाई थी, मगर वो फिर आना शुरू हो गई थी। तो चीफ जस्टिस साहब का सवाल ही ये था कि वहाँ से ये क्लियर क्यों नहीं होता, तो मैंने उनको बताया मैंने कोशिश की है, मगर ये हो नहीं सकता जब तक फोर्स ना इस्तेमाल की जाए। मुझे इन्फोर्स जब तक नहीं किया जाएगा, सारे स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे ऑन बोर्ड, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर ऑर्डर किया कि सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया वो सब एक पेज पर आए, हमने प्लान किया, पुलिस का तावुन, रेंजर्स का तावुन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तावुन, सारे इदारों का तआवुन रहा। उसके बाद लीडिंग रोल हमारा था, हमारे जो एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट है उसने बहुत अच्छा रोल अदा किया, और ये इंक्रोचमेंट फुटपाथों से भी हटी है, और फुटपाथ के ऊपर आपने देखा होगा कि छपड़े बन जाते हैं, वो जो छज्जे बन जाते हैं, ये गलत है, ये इल्लीगल है, उसको हमने रिमूव किया। अब एक पुरानी जो बिल्डिंग है उनकी शक्लें सामने आ रही हैं, पहले वो ढक गई थी, छुप गई थी उन जंगलों के पीछे, तो अब हम एक अच्छा फेस देना चाह रहे हैं कराची के लोगों को, असल कराची की शक्ल सामने आए, ताकि तो लोग रिलीफ महसूस करें। नंबर 2, ट्रैफिक का कंजेशन होता था वहाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेट्रोल ज़ाया होता था लोगों का,
उस बिल्कुल गलतियां तो बहुत से लोगों से हुई है, केएमसी से भी गलती हुई है, तो इतने सालों से कोई एक्शन नहीं लिया गया ये सवाल तो बहरहाल है ही है। साथ साथ कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी जिक्र किया जाता है कि शायद इस एरिया के हवाले से दो बड़ी जमातें थी जिनमें से एक आपकी जमात भी है, इसके अलावा एक और जमात भी है जिनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर बहुत रहा है, यही वजह है कि तजावुजात खत्म होती हैं दूसरे दिन फिर आ जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब हमने अबव पॉलिटिक्स सियासी जमातों, चाहे वो किसी का अगर छपड़ा या छज्जा बाहर आया हुआ है एंड ही इज़ फ्रॉम MQM तो उसको भी हमने नहीं छोड़ा है। देखें, गैर कानूनी और या इंक्रोचमेंट इलीगल, उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, पेडेस्ट्रियन राइट्स होते हैं, आवाम के चलने के लिए फुटपाथ बनाई जाती है। अब बहुत हो गया, 71 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, अब हम अपनी फुटपाथ ही ठीक नहीं कर सक रहे हैं। माजी में सबने गलतियाँ की, KMC की भी गलतियाँ, जो लीज दिए हैं यहाँ चारों तरफ जो एम्प्रेस मार्केट की दुकानें दी हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी KMC की, ये नहीं देना चाहिए था। अब 70 साल बाद ये रुकावटें दूर हो रही हैं, इस सिलसिले में आपको कोई खसूसी अख्तियार मिला है? माजी में भी आप इख्तियारात की बात करते हैं या किसी इदारे का ताउन है, अब ये रुकावटें दूर करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं इसमें, उन्होंने कहा है, पाबंद किया है सारे डिपार्टमेंट्स को कि मेयर के साथ इस काम में हाथ बटाएं, मेयर का क्लियर ऑर्डर्स हैं, रिटन ऑर्डर्स हैं चीफ जस्टिस साहब के, तो इंशाल्लाह उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। बिल्कुल वसीम साहब, इससे पहले भी हमने देखा शहर में से चाहे बिल बोर्ड्स खत्म हो, चाहे इसके अलावा पानी के मसाइल हो, सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आना पड़ता है। कराची वाले कितना ही मुतमइन रहे इस बात पर कि मेयर कराची, उनका मेयर उनके लिए अब मजीद काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इसका इंतज़ार नहीं करेगा? देखिए, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गवर्नेंस या रिट यहाँ नहीं होती है, ना फेडरल गवर्नमेंट की ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। कराची तो फ्री फॉर ऑल बना दिया गया था, मादर पिदर आज़ाद जिसे कहते हैं, जो मर्जी जिसका दिल आए वो इंक्रोचमेंट भी करे। अब तो लोग अगेंस्ट द रूल्स, लाइक वन वे के खिलाफ चलते हुए आ रहे होते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, तो ये तो हाल हो गया कराची का, तो इसको ठीक करना है हमने सबने मिलके। तो मेयर की हैसियत से मैं 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, जहाँ जो जो एरियाज मेरे सामने हैं, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, ये भी मेरी जिम्मेदारी थी। लकीली मुझे सुप्रीम कोर्ट का साथ मिल गया। आपको सुप्रीम कोर्ट का साथ मिल गया और हमें ये उम्मीद है कि हमें साफ सुथरा कराची मिल जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीन दहानी आपने करवाई है कि ये अब इंक्रोचमेंट का जो काम हो रहा है ये अब चलता रहेगा और अब ऐसा नहीं होगा कि तजावुजात बनेंगी और उसके बाद फिर से वो वहाँ पर वैसे मामला हमें दिखेंगे। जी कहिए, शेयर करना चाहूँगा, जो लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ, जो दुकानदार हैं जिनके हमने वो छजे गिराए हैं, उनसे कहूँगा कॉपरेट करें मेरे साथ। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता, ना करूँगा, मैं रूल्स में रहते हुए काम कर रहा हूँ। और एम्प्रेस मार्केट पे जिसने मेरे साथ कॉपरेट किया है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बिल्कुल, एक ही पेज पर सबको आना पड़ेगा तभी कराची से ये तजावुजात का नासूर यह खत्म होगा। कराची में तजावुजात के मामले पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त आपको लाहौर ले चलते हैं जहां पर वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान के कर्जे का मसला हल हो जाता है या उस तरफ आ जाए, फिर हमें बाहर की जरूरत नहीं रहेगी। और पैसे भी इनके पास माशाल्लाह बड़े हैं, सिर्फ निकालने के तरीके, चूंकि हम एक जमहूरी मुल्क हैं और वो तरीके जो कि कई और जगहों पर आजमाए हैं वो हम यहाँ ज़रा यहाँ पर नहीं ले सकते अनफॉर्चुनेटली, इसलिए ज़रा देरी लग रही है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, ये पैसे जो हैं ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं। ये जिस तरीके से ये जो कहते हैं ना पार्लियामेंट में माहौल अच्छा होना चाहिए और जी बड़ा जी ज्यादती हो गई है, ये सिर्फ ये कहते हैं कि आपको मुकमुका करके चलना चाहिए, आप हमारी करप्शन के ऊपर बात ना करें। करप्शन पे बात करेंगे तो जी माहौल ख़राब हो जाएगा। अगर आप आज इनके केसेस के ऊपर बात ना करें, बाकी पूरी हर चीज़ जनाब आइन कानून के मुताबिक चल रही है। लेकिन सवाल ये है, जो मेरा इस्तदलाल है वो ये है कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी करप्शन के ऊपर बात नहीं करनी है, अगर हमने भी पीछे हट जाना है और हमने ये जो है जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी हमने इनको दे देनी है, हमने इनके जो मुकदमात हैं उनको भी जो है वो उसके ऊपर भी नहीं अपना जो है वो हमने हाथ होला रखना है जिस तरह से इनकी ख्वाहिश है, तो फिर हम में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? लिहाजा जो तरीके इंसाफ का वोटर है ये उसके साथ गद्दारी होगी अगर हम इन मामलात के ऊपर नरमी दिखाएं। और इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े वाजे हैं, हम बड़े वाजे हैं, हमने
جو جو اقدامات احتساب کے لیے کچھ کیے ہیں زیادہ ان میں تیزی آئے گی انشاءاللہ، آپ آگے دیکھیں گے۔ اور حکومتیں آنی جانی ہوتی ہیں، کس وجہ سے اگر حکومت نے نہیں رہنا کہ ہم نے کرپشن کے اوپر اور پاکستان میں ایک اور بڑا رواج ہے کہ جی یہ اصل میں پاکستان کی معیشت بڑی خراب ہو جائے گی اگر آپ نے کرپٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو ڈسکریج کیا، پاکستان میں امیر لوگوں کو پکڑا تو بڑا جناب اس سے جناب پوری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اور بھائی یہ معیشت تباہ ہوئی ہی اسی لیے ہے کہ آپ نے امیر لوگوں کے لیے قانون علیحدہ رکھا ہوا ہے، غریب لوگوں کے لیے قانون علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ جب تک طاقتور طبقہ احتساب کے شکنجے میں نہیں آئے گا، جب تک طاقتور طبقے کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ان وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کے اداروں کو، اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ نے اور پاکستان کی عدالتوں نے جس طریقے سے اس مشن کو لیا ہے، یہ ماضی والا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بڑے وکیل کر سکتے ہیں تو آپ آرام سے شکست دے سکتے ہیں حکومت کو بھی، کیونکہ حکومت کے وکیل تو بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کہ حکومت میں تھے وکیل بھی اپنے ہی لگوائے ہوئے تھے، دونوں طرف ایک ہی پارٹی کے وکیل تھے، تو الیکشن جو رزلٹ آنے تھے وہ تو آپ کے سامنے آئے۔ اس بار انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو ریاست ہے اس کا نیریٹو ہے، اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا جو وقار ہے وہ ہم نے بحال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو اقدامات پرائم منسٹر صاحب، ایک طرف سوشل ویلفیئر سٹیٹ کے لیے ہم ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے پاکستان کو اقدامات لے رہے ہیں، دوسری طرف ہم رول آف لا اس کو امپوز کرنے کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں، اور تیسری طرف ہم یہ جو نیریٹو ہے جو پاکستان کی ریاست کا فکری ایک نیریٹو جو ہمارا پاکستان دشمن قوتوں نے کھو لیا ہے اس کو ہم واپس لیں گے۔ یہ نیریٹو جو ہے یہ انشاءاللہ ریاست پاکستان کا نیریٹو چلے گا، اور اس لیے جو تمام جو ذمہ داران ہیں ہم انشاءاللہ ایک مربوط پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ ایک مکمل طور کے اوپر ایک نیا پاکستان ہوگا جس کا تحریک انصاف نے وعدہ کیا۔ دوبارہ بولیے، ابھی کچھ دیر میں میں واضح جو ہے جب میری بات ہوگی تو میں بتا سکوں گا، کیونکہ کچھ جو ہمارے انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا خیال ہے کہ تفصیل میں ابھی جانا جو ہے وہ شاید فی الحال مناسب نہیں ہوگا، ابھی کچھ دیر میں جو ہے وہ واضح بات ہوگی کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کرنی ہے یا شاید اس کو کچھ ڈیلے کر دیں، ابھی ایک قانونی مشورہ جو ہے اس سلسلے میں ہو رہا ہے، جو ہی مکمل ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈی جی جو نائب ہیں جہاں تک مجھے پتا وہ 19-20 سال سے نائب میں ہیں، ان میں سے 10 سال جو تھے وہ زرداری صاحب کی اور لیگ کی حکومت تھی، تو جو ہی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ان کی ڈگری جیلی ہو گئی، جب وہ خیبر پختونخوا میں 4.5 ارب روپیہ انہوں نے ریکور کیا اس وقت ڈگری اصلی تھی، اور جو ہی یہاں پہ آ کے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تو ان کی ڈگری جعلی ہو گئی۔ سو میرا خیال ہے یہ ڈگریوں والے پتہ ہیں ہمیں معاملات کس طرح ہیں اور کیا چل رہے ہیں، یہی تو ہے جب آپ مافیا پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ آگے سے خاموشی نہیں رہتی آپ کے اوپر، یہاں پر بات کرنا بھی بڑے دل گردے کی بات ہے۔ یہ میرا خیال ہے نیب کے جو بھی افسران جو بھی لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھے ہیں ان کو تو پورا سپورٹ کرنا چاہیے، اور جہاں پہ غلط بات ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ اپوز کریں گے، لیکن فی الحال بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ معاملہ سامنے یہ آیا ہے کہ آئندہ احتیاط کرنی ہے، موبائل فون بھی ہوتا ہے۔ وہ تو روز ملتے ہیں،
तो ऐसे बातों में बात निकलना, ये कोई ऐसी सीरियस बात नहीं। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब की बड़ी वाज़ह हदायत थी कि जो भी कच्ची बस्तियां हैं और जो भी गरीब इलाके हैं उनके ऊपर आप ऑपरेशन ना करें। सो जहां जहां पे हुआ है, जहां जहां पे हमें शिकायत मिली है, हमने उसको फौरी तौर के ऊपर रोक दिया है। अगर कहीं पे हुआ है तो वो उसको भी इंशाल्लाह हम रोकेंगे। जहाँ तक इश्तहारात की बात है, देखिए हम जो हुकूमत है, इस तरह बाकी तमाम इदारे क्लाइंट हैं मीडिया के, हम भी क्लाइंट हैं। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि ये देखें हमने पैसे कहाँ से देने हैं। अल्टीमेटली ये पैसे हम आप ही के पैसे आगे देंगे, या हम कर्ज लेंगे और पैसे देंगे, या वहाँ पे टैक्स लगाएंगे पैसे देंगे, हुकूमत और कहाँ से पैसे देगी। सो लिहाजा हमने देखना यह है कि हमारी जेब कितनी इजाज़त देती है कि हम अपने इश्तहारात को दिला सकें अखबारों में और टेलीविजन में। पिछली हुकूमत ने जो किया है, जाहिर है कि वो कोई भी महज़ब मुआशरे में उस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से उन्होंने इश्तहारात को करप्शन के लिए इस्तेमाल किया, जिस तरह से इश्तहारात को अपनी ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया, वो तो कोई भी महज़ब सोसाइटी में उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और हम इंशाल्लाह ताला इस पॉलिसी के ऊपर कारबंद हैं। जहाँ तक सहाफ़ी, जहाँ तक जिस तरह से तमाम बाकी जो तबकात हैं उनकी इंशाल्लाह ताला हुकूमत टेक केयर करती है, हम जो सहाफ़ी बरादरी हैं उनको अपनी जो है वो टेक केयर करें। इस सिलसिले में हमने सबसे अहम कदम जो वो लिया है कि हम तमाम जो सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, जो रजिस्टर्ड हमारे साथ हैं और हमारे एजेंट आपकी तंजीमों के साथ हैं, हम तमाम लोगों को 4,87,000 रुपये तक का हेल्थ कार्ड जो है वो हम दे रहे हैं। नहीं मैंने कहा टोटल कर्जे का पैसा वापस करें, क्योंकि 84% कर्जा तो इन्होंने लिया है ना। ये कर्जा 24,000 करोड़ रुपया का जो कर्जा है, वो कर्जा जो है वो तो नवाज शरीफ साहब ने, और 24,000 अरब रुपए का जो कर्जा है वो तो इन्होंने लिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों खानदान अगर वापस कर दें अपने पैसे जो इन्होंने लिए हैं, तो बाहर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 देखिए बात यह है कि जो बिलावल साहब से जो मुलाकात हुई थी वो तो खैर एक और इशू के ऊपर हुई थी। वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की एक तहरीक थी जिसके ऊपर बातचीत हो रही थी, तो मैंने वहाँ पर ये बिलावल साहब को और राजा परवेज़ अशरफ साहब को ये कहा था कि देखिए असूली तौर के ऊपर बात गलत है कि बड़े भाई के प्रोजेक्ट्स को छोटा भाई जो है वो ऑडिट करे। लिहाजा हमारा हक है, PTI का हक है कि हम इस ऑडिट को करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि लाजमन अपोजिशन में ही रखनी है, तो आप किसी को भी दे दें, आप बिलावल साहब को दे दें, किसी और को ऐसे को दे दें, कुछ कोई थोड़ी बहुत तो रिजनेबल बात हो ना। ये तो कोई बात नहीं है कि आप शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब का ऑडिट करेंगे, ये तो अकल कोई बात नहीं जाती। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमें दें। असूली तौर के ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही इस वक्त PTI को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो ऑडिट है वो 2016-2018 का है। ये दो साल जो है इस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और हम अपोजिशन में थे। खुर्शीद शाह साहब तो जैसे ही अपोजिशन थे सबके सामने ही है ना। खुर्शीद शाह साहब का तो अभी पता नहीं, पीपल्स पार्टी वालों को भी नहीं पता कि किस तरफ है, नून में है या उनमें है। सो लिहाजा ये फिलहाल जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हमें दें और हम ये दो साल को ऑडिट करेंगे। जो ही हमारा प्रोजेक्ट आएंगे, आप PML का इलेक्शन होगा, डिप्टी मेयर का इलेक्शन होगा, नाजम का इलेक्शन होगा, नायब नाजम का इलेक्शन है, वो पार्टी बेसिस पे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पार्टी बेसिस पे नहीं। दूसरी बात आपने फरमाई है कि जो फैसले हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है। आपको मालूम है कि अरशद दास साहब अब हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और एजाज चौधरी साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। पूरी लिस्टें बन रही हैं, वर्कर्स की मशावरत के साथ सारे फैसले जो हैं होंगे। इंशाल्लाह आप फ्यूचर में देखेंगे कि जो भी फैसले होंगे आपको इत्मीनान मिलेगा। सर, एक सवाल मेरा भी है।
हैदरों के साइड तो कानून भी ठीक है। जी मैं एक बात जो है, दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन हो रहा था और मैं पोलिंग स्टेशन पे जा रहा था तो दो चीज़ें विजिबल थी वहाँ पर। एक, हमारी ख्वातीन हर पोलिंग स्टेशन पे बैठी मेहनत कर रही थी, और दूसरा हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा यूथ जो है वो इलेक्शन लड़ रहा। तो मैं ख्वातीन को और यूथ उनकी कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए जो है उनका बहुत ही मशकूर हूँ। और मुझे ये भी मालूम है, एहसास है कि हमें जो हमने MNA MPS की सीटें एलोकेट की उससे हमसे कुताही हुई, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसमें शामिल नहीं था। लेकिन मुझे मेरा अपना इस बात पे ईमान है कि जब हम करते हैं सिलेक्शन ख्वातीन की तो हमें देखना ये चाहिए कि चार रीजन हैं, हमें बैलेंस करके उनकी नुमाइंदगी जो है होनी चाहिए। और उसके बाद में एक और बात, बिखेरने वाले पश्तो फनकार को तोड़ कर रख दिया, माली मुश्किलात ने घेरा तो अरशद हुसैन ने मदद की अपील कर दी। पेशावर से साथ बिन अवैस की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के बेहतरीन पश्तो अदाकार अरशद हुसैन, जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से वाबस्ता हैं टीवी स्क्रीन से, मगर सरतान जैसे मोजी मर्ज ने इस हंसमुख अदाकार की सारी खुशियां छीन ली। नौकरी भी नहीं है, आर्ट का काम भी नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू, शुड आई कमिट अ क्राइम इन दिस सोसाइटी। पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो और निजी चैनल समेत पश्तो ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाले इस फनकार ने मुख्तलिफ किरदारों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, मगर अब हालात ने दूसरों के दर पर अपील करने पर मजबूर कर दिया। स्टेट की तरफ से कि एक सिस्टम हो कि मुझे इमरान खान साहब से अपील ना करनी पड़े, वज़ीर आला साहब से अपील ना करना पड़े, बल्कि खुद ही मुझे ऑटोमेटिकली मेरी मेडिकल केयर भी हो, मुझे घर का कोई रिहायश का भी बंदोबस्त हो, किसी अस्पताल में एक आध कमरा हो। अरशद हुसैन 2010 में बेहतरीन अदाकार का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। कैमरामैन हयात खान के साथ साद बिन अवैस, समा पिशावर। करते हैं कराची में तजावुजात के हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन की। परिंदा मार्केट, मछली मार्केट, कपड़ा मार्केट और फलों की मार्केट सब मलबे का ढेर बन गई। एम्प्रेस मार्केट के इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहीं पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम, उनसे मजीद जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर में एम्प्रेस मार्केट की मुनहदिम की गई, मिसमार की गई उन दुकानों के मलबे पर जिनकी तादाद 1042 बताई जाती है। यकीन नहीं आ रहा, यकीन जानिए कि यकीन नहीं आ रहा, मगर हमारे कैमरामैन फैसल आगा ही आपको दिखाएंगे कि ये वो मार्केटें हैं जहां 50 साल से कारोबार चल रहा था KMC का, और आज इनको मिसमार किया जा चुका है। ये वो मार्केट थी कि जहां पर स्टेशनरी की दुकानें थीं, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें थीं, चाय की पत्तियां फरोख्त की जाती थीं, और इसके बाहर जो जहांगीर पार्क वाली सड़क है वहाँ पर फलों के ठेले लगा करते थे। अब हम चलते हैं एम्प्रेस मार्केट के एक और हिस्से के जाने, वहां दिखाएंगे हम आपको कि वहां पर क्या कार्रवाई की गई है। अब मैं जहांगीर पार्क के सामने उस जगह मौजूद हूं जहां पर मुल्क और गैर मुल्की कुकिंग ऑयल जो थे वो फरोख्त किए जाते थे। इसके अलावा कुछ हिस्से में पंसारी का आइटम भी फरोख्त किया जाता था। अब मैं एम्प्रेस मार्केट के उस तीसरे हिस्से में मौजूद हूँ जिसे परिंदा मार्केट भी कहा जाता था। यहाँ पर सब्जी, चिकन, मछली, गोश्त और इसके अलावा परिंदा मार्केट भी थी, और जहाँ पर यह कार्रवाई की जा रही है, दुकानदार अपना जो सामान है वो निकाल रहे हैं। अब मैं मौजूद हूँ सदर में एम्प्रेस मार्केट के उस चौथे हिस्से में जिसे फारूकी मार्केट कहा जाता था। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में कपड़े की दुकानें थीं, अनसिले कपड़े, सिले हुए कपड़े, सेकेंड हैंड कपड़े। कैमरामैन फैसल आगे आपको दिखा रहे हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ मलबा है और उसमें से बचा खुचा सामान निकालने की कोशिश की जा रही है। रेनबो सेंटर के साथ की ये दुकानें हैं। इस फारूकी मार्केट के साथ बाहर पथारे लगे होते थे जिसमें खाने पीने की अशिया, फल और दीगर चीज़ें फरोख्त की जाती थीं। सदर के बाद इस कार्रवाई का अगला हिस्सा होंगे वो दूसरे इलाके जहाँ पर तजावजात कायम हैं, नाजायज तामीरात कायम हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू होगी। जी, और कराची के इस एम्प्रेस मार्केट का पुराना नक्शा देखें तो चारों तरफ पार्क्स दिखाई देते हैं, लेकिन मौजूदा नक्शे में बागों का कहीं नामो निशान नहीं। एम्प्रेस मार्केट के माजी और हाल पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की पहचान एम्प्रेस मार्केट,
जो 75 साल पहले खूबसूरत पार्क से घिरी होती थी। नक्शे में देखिए, मार्केट के चारों तरफ पार्क्स हैं, मगर फिर इस सब्जे को न जाने किसकी नजर लग गई। 60 की दिहाई में दुकानें बनना शुरू हुई, दुकानों का ऐसा जंगल आबाद हुआ, फुटपाथों को भी ना छोड़ा। मौजूदा नक्शे में बागों का नामो निशान ही नहीं। शहाबुद्दीन मार्केट होने के बावजूद इर्द गिर्द एक हिस्से पर परिंदे पतंगे, जबकि दूसरे पर कपड़े गोश्त सब्जी चाय और खुश्क मेवाजात वाले दुकानें सजाकर बैठ गए। एम्प्रेस मार्केट तजावुजात की लपेट में आ गई। रही सही कसर ठेला माफिया ने पूरी कर दी। एम्प्रेस मार्केट को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कराची एम्प्रेस मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर अवाम ने हुकूमत को कार्रवाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कुछ ने कहा, ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है। यार ये जो भी हो रहा है करवा तो गवर्नमेंट ही रही है, लेकिन जो भी करवा रहा है बहुत अच्छा करवा रहा है। ये ऑपरेशन इमरान खान करा रहा है, कौन करा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये तो सही हो रहा है मेरे हिसाब से। इमरान खान करवा रहा है क्योंकि शहर में रक्षा टैक्सी क्या पैदल चलने वालों के लिए गुंजाइश नहीं थी। इमरान खान करा रहा है, कौन करा रहा है? वसीम अख्तर को बोल रहा है तो वो बोल रहा है कि उस ऊपर से प्रेशर है, और कमिश्नर को बोल रहा है तो वो भी बोल रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हर जगह घूम करके वही बात आ रही है इमरान खान। कराची एम्प्रेस मार्केट के गिर्द बनी दुकानें क्या गिरी, कुछ लोगों की तो जैसे चांदी हो गई। इसी पर देखिए सलमान अहमद की रिपोर्ट। एम्प्रेस मार्केट के अतराफ सालों पुरानी दुकानें मिसमार हुई। कचरा चुनने वालों की भी ईद हो गई, कोई लकड़ियां चुनता रहा, किसी ने उठाया लोहा, किसी के हाथ कुछ कबाड़ लगा। अभी मजदूरी में ये उठाया, लोगों को देख के यार सब ले जा रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत तुम भी ले लो। दुकानों की बची हुई अशिया चुनने वाले झगड़ते भी नजर आए। कचरा और कबाड़ चुनने वालों को तो ऑपरेशन बहुत पसंद आया। बस अगर 100 किलो लेकर गए तो 4000 रुपए हो गए, और 50 किलो लेकर गए या 10 किलो लेकर गए तो 400 रुपए हो गए। चूल्हा तो जलाना पड़ेगा भाई, ये सारा दुनिया ले जा रहा है, एक अकेले हम थोड़ी सारा दुनिया ले जा रहा है, हर कोई खींच रहा है, हर कोई ले जा रहा है। एम्प्रेस मार्केट के अतराफ बनी दुकानों का मलबा इन अफराद के लिए माले गनीमत बन गया। माले मुफ्त दिले बेरहम, कुछ लोगों ने इस पर अमल किया और दुकानों के मलबे से मुख्तलिफ सामान उठाया और चलते बने। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा कराची। वेलकम बैक। तरक्याती काम ना कराने पर घरों के आवाम बेफर गए। जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया तो पुलिस ने मुजाहरीन पर हवाई फायरिंग और शेलिंग शुरू कर दी। सुहेर अली की रिपोर्ट देखिए। तरक्याती काम क्यों ना हुए, घरों की आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर धरना दिया तो सड़क खोलने के लिए पुलिस भी एक्शन में आ गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग कर दी। मुस्लिम मुजाहिरीन की जानिब से भी पुलिस पर पथराव हुआ। एहतजाज के बाद कराची ठट्टा बदीन और हैदराबाद जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिदीन कहते हैं 3 साल से शहर में कोई तरक्की अधिकाम नहीं हुआ, जिले चेयरमैन और टाउन चेयरमैन की बर्तरफी तक एहतजाज जारी रहेगा। जुहेर अली, समा, घरों। बुलेटिन में अब कुछ मौसम की बात करते हैं। तो सर्दी बढ़ी तो ऐबजाबाद वाले खास मसालों से तैयार चपली कबाब खाने पहुँच गए। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। एबटाबाद में शहरी क्रीमे टमाटर अदरक और लहसुन से बने चपली कबाब खाने पहुंच गए। दुकानदार भी मौसम की तब्दीली पर कारोबार चमक उठने पर खुश हैं। क्योंकि सर्दी की शिद्दत एबटाबाद में काफ़ी ज़्यादा है और ये कबाब बहुत अच्छी क्वालिटी का और इसमें बड़े अच्छे मसालाजात इस्तेमाल किए जाते हैं। दुकानदार कहते हैं क्रीमा टमाटर मिर्च अजवाइन डालकर चपली कबाब बनाए जाते हैं। चपली कबाब कढ़ाई में फ्राई करके तंदूरी नान और रायते के साथ पेश किया जाता है।
مزہ آتا ہے کباب کھانے کا، ادھر بہت اچھے کباب بنتے ہیں، مسالے وغیرہ اچھے ہیں۔ انجوائے کرنے آئے ہیں تو ہم نے کہا کباب کھا لیں ذرا، تو یہ چھوٹا میرا بیٹا ہے اس نے کہا کہ میں بھی کباب ذرا شوق سے کھاتا ہوں۔ لذت میں بے مثال، ذائقہ لاجواب اور مناسب دام، جو ایک بار چپلی کباب کھاتا ہے بس اسی کے گن گاتا ہے۔ عاطف قیوم، سما، ایبٹ آباد۔ سنہری رنگت کے لیے سونے کے ذرات کا استعمال کیا جا رہا ہے، سلور اور چارکور ماسک بھی خوبصورتی نکھار رہا ہے۔ ارم خان کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ کسی ہربل یا بیوٹی کریم کا پیسٹ نہیں، 22 کیرٹ سونے کے ذرات اور عرق گلاب سے جادوئی ماسک کی تیاری ہے جناب۔ پہلے کلنزر اور سیرم سے چہرے کی صفائی اور پھر ماسکنگ شروع۔ گولڈن ہی نہیں، چاندی کے ذرات سے سلور اور چارکول سے سیاہ ماسک بھی حاضر ہے جناب۔ فائدہ کیا ہے خود حسیناؤں سے سنیے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ فیئر ہو جاؤں گی۔ یہ ماسک جلد کو جوان اور تر و تازہ بھی بناتے ہیں۔ چہرہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ فیشل کروا کے آپ ابھی آئی ہیں، چہرہ ڈھلکتا نہیں ہے اور چہرے کے جتنی جھریاں ہوتی ہیں وہ ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماسک کون سا لگانا ہے پسند اپنی اپنی، لیکن نتیجہ آپ کو لاکھوں میں ایک ضرور بنا دے گا۔ اگر آپ کو گورا ہونا ہے تو پہلے کالے ہو جائیں یا پھر گولڈ ماسک لگا کر سنہری چاند چہرے کو چمکانے کے لیے چاندی رنگ کے سلور ماسک کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ کیمرامین راحیل قریشی کے ساتھ ارحم خان، سماج راولپنڈی۔ اور چھٹی کا دن ہو تو اپنوں کے ساتھ پکنک منانے کا اپنا ہی مزہ ہے، بتائیں گے اعجاز خالد۔ جی بالکل، سنڈے کو پنڈے بنانے کے لیے شہریوں نے بڑی تعداد میں دریائے کابل کے کنارے کا رخ کر لیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر تبری کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے کشتی رانی کے سیر سے۔ کشتی یہاں کی جو ہے محسوس قسم کی ہوتی ہے، دلہن جیسی سجی ہوتی ہے۔ یہاں کی آنے والی سیاحوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی جو کشتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ یہاں کے جو ملاح ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ کشتی ڈیکوریٹ ہوتی ہے اور سجی ہوتی ہے دلہن کی طرح، اتنے گاہک بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں اور آمدن بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ جی